गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समाज, संस्कृति एवं आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। मानव ज्ञान का संबंध तीन मूलभूत बातों से स्पष्ट होता है। ज्ञान का क्या स्वरूप है, दूसरा है ज्ञान के स्रोत कौन से हैं, और तीसरा है सत्यता क्या है और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। तो पहला प्रश्न ज्ञान की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। इसमें हमें ये जानना है कि ज्ञान की प्रक्रिया में कौन से तत्व मौजूद हैं। इस प्रकार का अध्ययन ज्ञान के स्वरूप को निर्धारित करता है और मूल रूप से ज्ञान के अर्थ को प्रकट करता है। ज्ञान के स्वरूप से संबंधित कुछ मतभेद हैं और जिनका कारण अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ था। दूसरे प्रश्न का संबंध ज्ञान के स्रोतों से है। इन स्रोतों के द्वारा ही हम ज्ञान के प्रकार निर्धारित करते हैं। हमें यहाँ ये विचार करना होगा कि किन स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कितना वैध है और कितना वैध नहीं है। तो इसके लिए ज्ञान स्रोत की परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा प्रश्न क्या था कि सत्यता को कैसे निर्धारित करें। तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना एक विस्तृत प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त करना बच्चों के लिए स्वाभाविक क्रिया है। इसमें ज्ञान प्राप्ति के तरीके और रुचियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को मौके मिले तो अपनी रुचि और अनुभव के सहारे अपने स्तर की बातें आसानी से सीख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति की असीमित क्षमता बच्चों के लिए अधिक अवसरों की मांग करती है। इसलिए बच्चों को ऐसा माहौल चाहिए जहाँ वे खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यदि हम बाल मन की इन मनसा और जिज्ञासा को समझकर बच्चे के साथ ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो बच्चे के ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को सही दिशा में निर्धारित किया जा सकता है। अब वर्तमान में विद्यालयों में ज्ञान प्राप्ति के नाम पर जो दिया जा रहा है वह क्या है, सूचना, जिसको ज्ञान समझा जा रहा है। समाज की इस मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने की रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनको रटने और रटने के लिए ही विवश करें। और इसका उल्लेख प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित शिक्षा बिना बोझ के समिति ने भी किया था 1993 में। बच्चे काफ़ी सहजता से अपने परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। जो मिथन सम्मेलन हुआ था 1990 और डेलर कमीशन रिपोर्ट 1996 ने अनुशंसा दी है कि बच्चों को सिखाने का तरीका बदला जाए। शिक्षण में शिक्षक केंद्रित उपागम के स्थान पर कौन सा उपागम होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित उपागम का प्रयोग किया जाए। बच्चों के अनुभवों को कक्षा में लाया जाए। उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासाओं से सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान सृजन क्या होता है, पुष्ट होता है, पल्लवित होता है, दृढ़ होता है। दर्शन में एक शाखा है जिसे ज्ञान शास्त्र या ज्ञान की मीमांसा कहा जाता है, जिसमें ज्ञान से अभिप्राय, उसमें मौलिक रूप, उसकी प्राप्ति, स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के उपाय आदि पर विचार किया जाता है। क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं,
या ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, नहीं कर सकते। या ज्ञान को प्राप्त कैसे करें? तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो ज्ञान शास्त्र या ज्ञान की मीमांसा में उठाए जाते हैं। ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखने की भी व्याख्या की जाती है। सीखने की जड़ें ज्ञान शास्त्र से जुड़ी हुई है। सीखने के जितने भी सिद्धांत बने हैं उसके प्रश्नों के उत्तर कहाँ दिए जाते हैं? ज्ञान शास्त्र द्वारा दिए गए। ज्ञान प्राप्ति की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद और व्याख्यावाद। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञान पूर्ण है और ये व्यक्ति से स्वतंत्र अपना स्थान रखता है। इसके अनुसार ज्ञान तो पहले से ही मौजूद है और उसके निर्माण की जरूरत नहीं है। और जो बुद्धिवाद कहता है कि सारे ज्ञान को मनन करने का परिणाम बताया है, इसके अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में ही ज्ञान की उत्पत्ति और स्रोत स्थित है। इसमें अनुभव और कारण की प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान की व्याख्या की गई है। और व्याख्यावाद के अनुसार ज्ञान सार्वभौमिक नहीं है, इसका निर्माण या रचना व्यक्तिगत स्तर पर या मिलकर साथ किया जाता है तथा इसकी व्याख्या सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। ज्ञान के स्रोत के संदर्भ में अनुभववाद द्वारा प्रत्यक्षवाद की विचारधारा को मानते हुए ये भी कहा गया है कि ज्ञान इंद्रियजन्य है। हमारा सारा ज्ञान बाहर से प्राप्त होता है और इंद्रियां ही इस ज्ञान का साधन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक फूल के माध्यम से उदाहरण दिया था, जिसमें उस फूल को स्पर्श करके उसे महसूस किया था, आँखों से देखकर उसके रंग को समझा था, इसी प्रकार उसकी गंध। तो ये सारा जो हमने ज्ञान ग्रहण किया वो किससे किया था? इंद्रियों से किया था। तो हमारा सारा ज्ञान बाहर से प्राप्त होता है और इंद्रियां ही इस ज्ञान का साधन है। तो ये अनुभववाद कहता है। वॉटसन और स्किनर आदि जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अनुभववाद के ज्ञान शास्त्र को अपनाया और व्यवहारवाद नामक सीखने का सिद्धांत बनाया, जिसमें व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को अवलोकन का केंद्र बिंदु माना, जिसको मापा और विश्लेषित किया जा सकता है। इनके अनुसार सीखना तभी होता है जब कोई व्यक्ति सीखने वाले का व्यवहार प्रतिक्रिया और उद्दीपन के रूप में देखा जाता है। सीखने वाला किसी निश्चित उद्दीपन के लिए निश्चित प्रक्रिया देता है तो ये सीखना माना गया। व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है उस पर जोर नहीं दिया गया, सिर्फ बाह्य व्यवहार पर ही जोर दिया गया तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनन की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम यहाँ पर सीखने सिखाने वाले की बात करें तो ये माना जाता है कि सिखाने वाले में सभी ज्ञान है और सीखने वाले को क्या किया जा रहा है? स्थानांतरित किया जा रहा है। तो सीखने वाला इस प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर सीखना क्या है? एक घटना है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने और सिखाने के मध्य
यह संबंध होना जरूरी है। यदि अर्थपूर्ण सहसंबंध का बार बार अभ्यास कराया जाए तो सीखना पुष्ट हो जाता है, यानी ज्ञान स्थायी हो जाता है। पाउलो फ्रेरे ने अपनी किताब उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में इसी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में कहा भी है कि वर्णन, यानी जिसमें शिक्षक वर्णन करता है, बच्चों को वर्णित वस्तु को यांत्रिक ढंग से रट लेने की ओर ले जाता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि वे विद्यार्थियों को पात्र या बर्तन बना देता है जिन्हें शिक्षक द्वारा भरा जाना होता है, जो इन पात्रों को जितना ज़्यादा भर सके वो उतना ही अच्छा शिक्षक होता है। और जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा स्वयं को भरने दे वो उतना ही अच्छा क्या होता है, विद्यार्थी होता है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत व्यक्ति के मस्तिष्क में है। ज्ञान की व्याख्या अनुभव तथा कारण के द्वारा की जाती है। यहाँ कारण को हम तर्क भी कह सकते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला पुरानी समझ को बदलकर एक नई समझ विकसित करता है। प्लेटो ने ज्ञान के विषय में कहा है कि ज्ञान वही है जो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के संबंध में उन्होंने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और सोचने की प्रक्रिया के संबंध में कहा कि कुछ प्रत्यक्षीकरण को सोचने की प्रक्रिया से ज़्यादा गुजरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संवेदना उस प्रत्यक्षीकरण की अच्छी तरह से जांच कर सकती है, परंतु कुछ प्रत्यक्षीकरण ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि संवेदना के द्वारा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत में इंद्रिय अनुभव से ज्ञान के स्रोत के रूप में तर्क को ज़्यादा महत्व दिया है। जीन पियाजे और मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चों का अपना प्रत्यक्षीकरण और समझ होती है। इसके अनुसार सीखने का अर्थ है बच्चों की मानसिक प्रक्रिया जो बदल जाती है जैसा बच्चा सोचता है। व्याख्यावाद की विचारधारा के अनुसार ज्ञान सार्वभौमिक नहीं है और इसकी रचना बच्चे द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर या मिलकर साथ किया जाता है। व्याख्यावाद को मानते हुए रचनावादी ये भी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के ज्ञान की समझ अपने पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर बनाते हैं। बच्चे में ज्ञान का निर्माण उसके वातावरण से अंतः क्रिया कर सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेकर होता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक क्या करते हैं, ज्ञान परोसने का कार्य करते हैं। शिक्षक एक बच्चे के सीखने का एक माध्यम है जो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाता है। प्रश्न पूछने, अपने विचार प्रस्तुत करने, निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के द्वारा भी बच्चे में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो आप पढ़ेंगे। पियाजे के रचनावाद को बुद्धिवादी रचनावाद भी कहा गया है, जिसके अनुसार ज्ञान निष्क्रिय रूप से शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को नहीं दिया जाता है, परंतु यह सक्रिय रूप से विद्यार्थी द्वारा इसकी रचना की जाती है। संस्कृति और भाषा अमूर्त अवधारणाओं को अर्थ प्रदान करती है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के साधन और वातावरण सीखने के लिए दिए जाते हैं।
वायोगोत्सी के सामाजिक रचनावाद के अनुसार ज्ञान की रचना सीखने वाले के द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होती है। इनके अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और ज्ञान के निर्माण में मिलकर साथ सीखना एक केंद्र बिंदु है। तो कोई भी विद्वान रचनावाद के बारे में कुछ भी कहे, परंतु सभी सीखने के बारे में कुछ बातों से सहमत हैं, जो कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये एक सक्रिय समझ बनाने वाली प्रक्रिया है। नया सीखना पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थपूर्ण सीखना तभी हो पाता है जब बच्चों को अर्थपूर्ण कार्य दिया जाता है। तो ये जो चारों बिंदु मैंने अभी बताए, इस पर पूर्णतया सभी विद्वान सहमत हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। जब भी कोई नया ज्ञान हम ग्रहण करते हैं तो वो एकदम से नया नहीं होता, हम उसे पूर्व में परिचित होते हैं। और यदि हम सीख ही रहे हैं तो वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, वो स्वाभाविक एक सक्रिय प्रक्रिया ही है। और जो भी सीखना है वो हमेशा क्या होता है, अर्थपूर्ण ही होता है। प्रकृतिवादी इंद्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं, वे पुस्तकों का विरोध करते हैं। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिसे बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखे। अतः विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रेरणा ले सके। सीखने के संदर्भ में आज भी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अनुभव को पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आदर्शवाद के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें शरीर और मन दोनों का योगदान है। आदर्शवाद मन का अस्तित्व शरीर के किसी भाग में नहीं मानकर इसकी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, और उनके अनुसार सीखने में मन का योगदान यदि नहीं होगा तो सीखने की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। आदर्शवाद के अनुसार सीखना नई बातों की जानकारी करके विचार प्रवाह की ओर अग्रसर होना है। व्यवहारिकतावाद के अनुसार सीखने का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है। जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि नागरिक सामूहिक चर्चा में दक्ष हो, साथ में चिंतन एवं तर्क की प्रणालियों में भी कुशल हो। चिंतन का विकास तब होता है जब बालकों पर कोई बात ऊपर से नहीं थोपी जाती है। बच्चे जब स्वयं अनुसंधान करके, प्रयोग करके, या ये कहें कि करके सीखते हैं, तो उससे स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है और वे ज्ञान स्थायी भी हो जाता है। क्योंकि जब तक ज्ञान को सिर्फ इंद्रियों से ही अनुभव किया है, उसे प्रयोग में नहीं लिया गया, तब तक वह ज्ञान स्थायी नहीं होता है। उनके बच्चों में सीखना किसका परिणाम हो सकता है, क्रिया का परिणाम हो सकता है। करना ही बिना किए ज्ञान प्राप्त करना एक सूचना मात्र होता है। यदि विद्यार्थी निष्क्रिय है तो फिर वो कैसा सीखना। सीखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उत्साहवर्धक कार्य करने पड़ते हैं। विलियम किलपैट्रिक के शब्दों में सीखने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा मार्ग? कि जो ज्ञान है उसको इंद्रियों से अनुभव करें और फिर उसे व्यवहार में लाएं
उसको करके सीखें, और आज विद्यालयों में इस चीज़ की आवश्यकता है। बच्चे के स्तर के अनुसार वो जितना ज्ञान ग्रहण कर सकता है तो उस ज्ञान को सूचना के रूप में उसके अंदर डालना नहीं है, बल्कि उस सूचना को क्रियान्वित करना है, ताकि बच्चा उस सूचना को सिर्फ सूचना मात्र ना समझ के उसके व्यवहारिक रूप को भी समझे। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका परिवार उसे सब सिखाता है, या ये कहें कि वो देखकर अनुभव करके स्वयं सीखता है। तो जो ज्ञान उसे वहाँ प्राप्त होता है, उस ज्ञान को लेकर बच्चा विद्यालय में दाखिल होता है और फिर वहाँ उस ज्ञान को वो सत्यापित करता है, तथा साथ ही वो नया ज्ञान ग्रहण करता है। तो इस प्रकार विद्यालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और फिर कल हम विद्यालय की परिभाषा और ज्ञान के स्रोत के रूप में विद्यालय का महत्व भी पढ़ लेंगे। तो ये जो आज हमने पढ़ा है वो कि ज्ञान विद्यालयों में कैसे पल्लवित होता है और कैसे बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना है, क्योंकि ज्ञान एक पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि उस पाठ्यक्रम में बच्चे के अकॉर्डिंग क्या सम्मिलित किया गया है उसके स्तर के अनुसार, और उस ज्ञान को सिर्फ सूचना बनाकर ही विद्यार्थियों को ग्रहण करवाया जाए, ये ना होकर एक शिक्षक उसको व्यवहारिकता दे, ना कि सूचना मात्र, और तभी एक ज्ञान का अच्छा रूप बच्चों को समझ में आएगा और वो भावी जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।